जयप्रकाश जीत के लिगड़े कम से कम 300 वोट आऊंगा। राम राम तो कर दे, काम कुम तो बात की बात है। इनके बदनलाल का छोरा ने वोट नहीं देंगे। बदनलाल का मरियाबाद में कुलदीप गांव में आके कौन चल लिया? इनको पानी का साधन दे के गए जेपी का गुण मेन्यू गाँव। कांग्रेस नहीं देंगे जेपी, कांग्रेस में जेपी देंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सत्य खबर पर। मैं अभी आदमपुर हल्के के न्योली खुर्द गाँव में हूँ और ये गांव सत्येंद्र सिंह का गांव है जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। आज हम यहां लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि गांव का माहौल क्या है, ये लोग किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आप इसी गांव से हो आप? काजला, क्या अलग है आपके उधर, किसका क्या सिस्टम है? सिस्टम अभी के बताऊं, अभी अपन तो कोई खास पता को नहीं, अपन तो डाणिया मरे ना आदमी है, जमींदार है। कोई चर्चा तो गई होगी? इतने कोई कौन गयो पहला, कोई बिजली बादली वाले चक्कर में कोई लगाया था है को नहीं, वहीं फायदों के दाना में अभी कोई अपना आप ही मान ले बीजेपी वाले लगाए क्या ठीक है। बस ठीक है भाई, क्या नाम आपका? विजय कुमार। विजय, क्या लगा आपके गाँव का, क्या माहौल रहने वाला? जयप्रकाश जीत के लिगड़े कम से कम 300 वोट आऊँ रहे, बताऊँ मादा कितनी वोट हैं गांव में? गांव में होगी 1800 वोट सारी। अच्छा, हाँ 300 से जीत के? हाँ जीत के, जयप्रकाश जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? वाटर बॉक्स पानी बनवाए जी, पीड़ ने पानी दिया, पीड़ ने पानी दियो, बस यही बात है। और मैं बट टाइम सरपंच हूँ। हाँ अच्छा, खुद मैं करवा के लिए वो ग्रांट पास भी। अच्छा, कई साल हो गए? 2005 की। अच्छा, तो उसके बाद इनका क्या है कुलदीप बिश्नोई का? राम राम करण को नहीं आगा मोर देखी बाड़ी, समस्या ये हो रही है। राम राम तो कर दे, काम कुम तो बात की बात है। के को दे आप? मेरा नाम है राजवीर नेहरा। नेहरा पहले बजनलाल के टाइम में, कुलदीप के टाइम में रहा, पूरा गांव ने इंक्वायरी कर लिया, पूरा रहा कांग्रेस का, बजनलाल के पीछे रहे कदी कुंटाल करी। इबके बजनलाल का छोरा ने वोट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? आके गांव में संभाला ही कोनी, संभाला कोनी, ठीक है। फिर एक बात और सुनो, मैं गांव में राशन कार्ड क्या वेद गजी हाथ पर लगावा मैं तुम्हारे लुगाई। बिश्नोई तो कह रहे हैं एक साइड जाऊंगे, नहीं बिश्नोई एक साइड की बात है, इधर नहीं कभी पार्टी बदल दी तुम्हारे लुगाई, तो मेरे तो पार्टी की हुआ वे तो कही, हम तो भाई हाथ के परि हाथ वाले हाथ पर मोर लगावांगे, कुलदीप वोट कुलदीप ना देवांगे, मोर हाथ पर लगावांगे। हाँ ये तो बड़ी बात कर दी, एक भी सोच के देंगे कुलदीप तो मोर हाथ पर लगेगा। हाँ मोर हाथ पर लगेगी। मन क्या है, मन क्या क्या? अभी मारा मन तो लगा कुलदीप ने देना है, फिर लगा जाएंगे तो भरोसे को नहीं मार लिया। अच्छा हाँ, वे कहते मैं हाथ पर लगावा, तुम झूठ बोल लो कमल का फूल का ये बात तो है। अच्छा, तो ये बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये दिक्कत आवेगी तो नारा साहब काम तो कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए के करवा दिए इन्होंने, न्योली काम में तो खड़ा करवाया को नहीं, कोई भी काम आके ही कौन चल लिया, काम तो दूर की बात रही, आके जयराम जी करने खातर को नहीं आया। कदे का मेरा कैंसिल होगी, कदे किमी होगी जी, ए हल्के ने आके कदे संभाले नहीं, बजना लाए तो बस संभाले कर तो आयो। बीमार था, बीमार आदमी ना भी आ पाओ, कह रहा है मैं बीमार था तो किस तरह की, तो कोई तो आस गया बैंक पोतो आस गया हो बैंक भू आस गया, तो कोई तो संभाला हल्के हल्के ना आके जी, या बताओ अण करियो की है ये पूरा आगे निको मन वोट दियो, वोट लेन तो फाट जाओ फिर आगे संभाला ही को नहीं, धोख मारा बताओ हल्के संभाल तो सका है, कौन मेरा मर रहा है जीवा है कोई नहीं, कौन कह राम रूम ही कौन कर सका आगे के राम सुनी माड़ा है, या बताओ गाली नहीं दिया करते। अच्छा आपको क्या ऐसा है जी, कह वोट तो देंगे जयप्रकाश ने, साफ कहना सुखी रहना, कुलदीप ने दिया करते, कुलदीप काम करा तो ध्यान, मेरा हैंडीकेप बच्चा है, पूरा गांव ने इंक्वायरी कर लिया, हुड्डा साहब की पिलसन बनाई है, हुड्डा साहब का पेश करया पिलसन बनाई हुड्डा साहब, ठीक है उस टाइम यो कांग्रेस में था, ठीक उसके बाद में मेरे बच्चे ने हैंडीकेप ने रिक्शा कौन मिली, रिक्शा हैंडीकेप रिक्शा कौन मिली, जो व्हील चेयर बोले वह नहीं दिए सरकार ने अभी तक। अच्छा हाँ, बिना रिक्शा दुखी होने लग रहे हैं, मैं बच्चा ने ठाया अन्नू कदे इन्नर कदे इन्ने, आठवीं मूरे पढ़ाया करता तो गोदी लेके आया करता, गोदी लेके जाया करता, आज बोरे 15-16 साल का, इब उसकी कुछ रिक्शा की वजह पढ़ाई भी छुट गई। अच्छा। स्कूल में कौन लिया उसका, ठीक ना कोई और आमदनी, एक एक किलो जमीन आवे दिहाड़ी करके पेट भरा, राशन कार्ड पर राशन ले आने जावा, राशन पर राशन कौन दे, गेलू गवर्नमेंट 10 किलो दे है, पूरे दे 5 किलो,
सीएम बेंडो मैंने लगाई एप्लीकेशन, क्षेत्रीय अफसर आए उरे की बात है मिल के बैठ के और वह गुटमुट करके पार गए, वो राशन मान फिर भी कौन मिलिया, फिर भी वही खंचा तांड रही। कुलदीप तो कह रहा है कि मैं तो लोगों के दुख दर्द नहीं होने दे रहे, हम तो इतने काम करते हैं, हम अपने परिवार हैं, और आप कह रहे हो कुछ नहीं कर जी, कुछ भी नहीं करया, कुछ भी मैं बैठे हूँ मौजूद, कुछ भी नहीं कर भजनलाल गए मरियाबाद में, कुलदीप है गांव में आके कौन चल लिया, ये इलेक्शन की टाइम आई ने उस टाइम तो आवे ये, उसके बाद में ये नहीं आवे, नहीं आवे जी ना, पिता वही को नहीं। अरे जेपी में और इनके परिवार में फर्क क्या लग गया बीजेपी की तरफ के? मेरी सुनो बात, ये जेपी में फर्क ये लग गया माने कि जेपी मारगा में माने पीने को पानी को साधन दे के गए, जेपी का गुण मेन्यू गावा बस, और कोई जरूरत नहीं पीने का पानी, माने पानी पीने की जरूरत है, मारा टेल पर बीजेपी सरकार है, मारा टेल पर पानी पीना रहा भी कौन सा नहर में पानी पीना रहा कौन सा, जगह जगह चोरी होने लग रही है, ये चोरी कौन रुका सके, अगले आदमी खेत आ रहे मर जाओ। दीप कह रहा है कि भी राज में आवांगे, मंत्री बन जाओगे, काम करवावांगे, ना ना किमी कौन करवावे, कुछ भी नहीं करवावे, कुछ नहीं, बिल्कुल आज तोड़ दी पार्टी, छोड़ दिया पदास के, छोड़ दी पार्टी, छोड़ दी, नहीं तो गांव ने इंक्वायरी कर ले पूरा गांव में, पार्टी कड़ा छोड़ दी, पार्टी तो आई है, कुलदीप ने छोड़ दिया ना, कुलदीप बीजेपी में गया, बीजेपी में गया तो मैं बीजेपी में वोट कौन दिया, मैं कांग्रेस नहीं देंगे, जेपी कांग्रेस में खड़े जेपी देंगे, जेपी की जगह कोई दूसरा आंदा तो दूसरा आवार तो कौन दिया रे? अच्छा हाँ करनाला भगत है जेपी को, बिल्कुल बिल्कुल देंगे, करनाला भगत नहीं है जी, गांव गुणगेल पूजा हुआ है, काम करा उस आदमी के तो पैर भी पकड़े जा, दूध आ रही तो पूंछ भी खाए जा, और बाखड़ी का लात भी दुख है, कौन दुख है, कुलदीप बिश्नोई का, ये तो गुंडा बदमाश है जेपी, तो जेपी तो हो गया केरो, कितना सारा देश में गुंडा हो गया, लेकिन मारे गांव के लिए भला है, क्यों मारा पीने का पानी दे के गया गांव में, लोग हैं बात पर इसके गुण गांव में, कितना बड़ा गुंडा हो गया मारा के लिए, मारा तो किमी कोस के को ले गया ना, मारकने किमी कोसण ने है, गुंडा है तो नेता दुख माने के दुख माने, तो पानी पीने का दे दिया, मारे यो सुख कर गया जेपी, मारा यो सुख है। बिल्कुल भाई, न्योली कला के अड्डे पे ये कुछ लोग बैठे थे, इनसे बातचीत करी, भगत तो जेपी के बड़े आड़े हैं, कह रहे हैं कि आवेगा तो, और वैसे एक बात है, जीत भी जाएगा कि नहीं जीतेगा? बिल्कुल जिता के कर लाँगे, बिल्कुल गांव गांव तक और भी और जगहों भी जितावांगे, काजलाओं भी जितावांगे, मलापुर भी जितावांगे, पूरी कोशिश करके जितावांगे, या गाड़ी खड़ी करा के जेपी खातिर करा के बंग गेल हंडाऊंगा, तेल तेल घराऊँ बाढ़ के बंगा गेल हंडाऊंगा, तेल घराऊँ बाढ़ूंगा और बंग गेल हंडाऊंगा, ये टाटा सुमो, हाँ टाटा सुमो महंगी है, जेपी का गेल लगाऊंगा, तेल घराऊँ बाढ़ूंगा, और बोलो रोटी मेरी घराऊँ गाल के चलूंगा टिप्पण लेके, और जेपी का गुण गाऊंगा, तकड़े वाला मानस मिल गया भाई। खैर आप लोगों को क्या लगता है, नेहरा साहब जिस प्रकार से छाती ठोक के कहे हैं जीतेंगे, लगता है कि जीत जाओगे, कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरे से होगी मनीष के साथ, न्योली कलास न्योली खुर्द से सत्यदेव शर्मा, सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।